एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिशेल और आज आप देख रहे हैं मेरा सेकंड लेसन ऑन मेड इन इंडिया। जी हाँ, मैंने इससे पहले एक लेसन किया था जो था मेड इन इंडिया वर्ड्स, जहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए जो सिर्फ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मेड इन इंडिया सेंटेंसेस। जी हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल गलत बोले जाते हैं, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप खुद कितने सेंटेंसेस गलत बोलते हैं। तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ आज का पूरा लेसन देखना होगा। दिस इज मिशेल और आप देख रहे हैं लर्नएक्स, द बेस्ट प्लेस टू लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। आइए शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस, और जब वो सेंटेंसेस स्क्रीन पर आएंगे, मैं चाहती हूँ कि आप फाइंड आउट करें कि उनमें क्या मिस्टेक्स है। तो आज का मेरा पहला सेंटेंस है, आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस। वेल दोस्तों, इसमें जो पार्ट गलत है वो है शिफ्टिंग, क्योंकि आप सामान शिफ्ट करते हैं पर इंसान को शिफ्ट नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे आई एम मूविंग इन टू अ न्यू हाउस, यानी मैं एक नए घर में जा रहा हूँ, ना कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। आप अपने सोफे के लिए ज़रूर कह सकते हैं आई नीड टू शिफ्ट दिस सोफा टू अ न्यू हाउस, ओके, बट अपने लिए आप कहेंगे आई एम मूविंग टू अ न्यू हाउस। हमारा आज का सेकेंड सेंटेंस है, ही इज़ लाइक दैट ओनली। वेल, इस सेंटेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओनली। That's right. हम कभी भी नहीं कहते हैं ही इज़ लाइक दैट ओनली, क्योंकि हम अक्सर हिंदी को ट्रांसलेट करके कहते हैं वो तो ऐसा ही है, पर इंग्लिश में आप कहेंगे ही इज़ लाइक दैट, ना कि ही इज़ लाइक दैट ओनली। और एक सेंटेंस है जो मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए सुना है, माय कज़न इज़ अ फॉरेन रिटर्न्ड। नो गाइस, आप फॉरेन रिटर्न नहीं यूज़ कर सकते। आपको कहना होगा माई कज़न यूज़ टू स्टडी अब्रॉड, या फिर माई कज़न यूज़ टू वर्क अब्रॉड। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो फॉरेन रिटर्न है, वो भी एक इंडियनिज्म है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, वो है हैव यू सीन द फिल्म। दोस्तों, इसमें क्या मिस्टेक है? वेल, इसको हम कहेंगे हैव यू वॉच्ड द फिल्म। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? वेल, वो इसलिए क्योंकि सी वर्ब का मतलब होता है कि इमेजिन कीजिए आप कॉफ़ी पी रहे हैं अपनी बालकनी में, और आपने सडनली आसमान में एक सुंदर सी चिड़िया देखी। वेल, आप वहाँ पे चिड़िया देखने के लिए तो नहीं खड़े हुए थे ना, राइट? इसीलिए आप कहेंगे व्हेन आई वाज हैविंग कॉफ़ी इन द बालकनी आई सॉ अ बर्ड, यू नो, जो कि आप अनइंटेंशनली आपने बस उसे नोटिस किया। पर जब आप मूवी की बात कर रहे हैं तो आप वॉच कहेंगे, क्योंकि वॉच का मतलब होता है बैठ कर किसी चीज़ को ध्यान से देखना, क्योंकि आप उसे समझना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर ये आपने चिड़िया के लिए तो नहीं किया था। तो आप कहेंगे हैव यू वॉच्ड दैट फिल्म। नेक्स्ट वन इज आई एम गिविंग द आयल्स एग्जाम। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेल, यहाँ पर हम गिविंग नहीं कहते हैं एग्जाम के लिए, हम कहते हैं टेकिंग। That's right. आप कहेंगे आई एम टेकिंग द IELTS एग्जाम, या फिर आप कह सकते हैं आई एम सिटिंग फॉर द IELTS एग्जाम नेक्स्ट मंथ, जो कि एक फॉर्मल तरीका है ये कहने का कि आप एग्जाम ले रहे हैं। अगर आप इनफॉर्मली अमेरिकन इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग द IELTS एग्जाम। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम सिटिंग फॉर द IELTS एग्जाम। हमारा अगला सेंटेंस है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वेल दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है मैरिज। जी हाँ, मैरिज का मतलब होता है एक रिलेशनशिप, पर आप एनिवर्सरी रिलेशनशिप की नहीं मनाते हैं, आप एनिवर्सरी मनाते हैं वेडिंग की, जो होता है एक सेरेमनी, यानी जिस दिन आपकी शादी हुई। इसीलिए दोस्तों, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहना बहुत ही गलत होगा। आपको कहना चाहिए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। दैट्स राइट। और इसी तरीके से आप ये नहीं कहेंगे आई वेंट टू हर मैरिज, आप कहेंगे आई वेंट टू हर वेडिंग, क्योंकि वेडिंग होता है सेरेमनी और मैरिज होता है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। उसके लिए आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर मैरिज गोइंग, यानी तुम्हारा शादीशुदा रिश्ता कैसा है। ओके, आई होप आप इन दोनों में फ़र्क समझ चुके होंगे। ग्रेट, अब देखते हैं अपना अगला सेंटेंस, और वो है आई सॉ अ ड्रीम। वेल गाइज, आप अपने सपनों को अपनी आँखों से नहीं देखते हैं पर अपने माइंड से देखते हैं, इसीलिए आई सॉ अ ड्रीम कहना गलत होगा। आपको कहना चाहिए आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, यानी कल रात को मुझे एक सपना आया, ना कि आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। ओके,
वेल गाइज, यहाँ पर आपको कहना चाहिए प्लीज सजेस्ट समथिंग, क्योंकि सजेस्ट वर्ब के साथ हम मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. और अगर आपको मी लगाना ही है तो आप कहेंगे प्लीज सजेस्ट समथिंग टू मी या फिर प्लीज सजेस्ट समथिंग. और ऐसी ही मिलती जुलती गलती करते हैं हम इस सेंटेंस के साथ, आई सेड हिम टू नॉट कॉल, जबकि इसका करेक्ट वर्जन है आई टोल्ड हिम टू नॉट कॉल, यानी मैंने उससे कहा कॉल ना करे. वेल दोस्तों, आई सेड हिम टू नॉट कॉल इसलिए गलत है क्योंकि सेड के साथ भी आपको ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसको कहा, आप सिर्फ इतना कहेंगे आई सेड डोंट कॉल. पर अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने किसको कहा तो आप कहेंगे आई टोल्ड हिम टू नॉट कॉल मी. उसके लिए आप टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं कि आपने किससे कहा. That's right. तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि आपको किन वर्ब्स के साथ मी लगाना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, और किन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. और अगली तो बहुत ही कॉमन गलती है, आइए इस सेंटेंस देखते हैं. मेंशन नॉट सर, यूज़ किया है ना आपने भी रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशंस में मेंशन नॉट सर. गाइज, दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू से वेलकम. इंस्टेड आपको कहना चाहिए डोंट मेंशन इट सर, ना कि मेंशन नॉट सर. राइट, सो बी केयरफुल, आप कहेंगे डोंट मेंशन इट सर. और मैंने बहुत बारी स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है आई विश आई वॉज देयर व्हेन यू मेट हिम, काश मैं वहां होता जब तुम उससे मिले. इसकी जगह आपको कहना चाहिए आई विश आई वर देयर व्हेन यू मेट हिम. वेल ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आई तो सिंगुलर है तो वर क्यों लगा रहे हैं. वेल इट्स प्रीटी सिंपल, अगर आप इफ़ या आई विश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वर लगाएंगे. जैसे कि आप कहेंगे इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, ना कि इफ़ आई वॉज यू आई वुड स्टडी हार्डर, क्योंकि आपने यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल किया है. तो इसके लिए आप कहेंगे इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत मेहनत करता. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि आप कब वर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप इफ़ और आई विश लगाएंगे. और मैंने बहुत बार ही सुना है मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं आई कैन डू मोर बेटर इन इंग्लिश. वेल गाइस, बेटर का मतलब ऑलरेडी यही होता है कि आप और बेहतर करेंगे. तो इसके साथ आपको मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटर का ऑलरेडी मतलब है कि आप अपनी पिछली बारी और इस बारी की परफॉर्मेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं. अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम यू लुक मोर प्रिटियर टुडे. वेल दोस्तों, वो भी गलत है. आपको कहना चाहिए यू लुक मोर प्रिटी टुडे या फिर यू लुक प्रिटियर टुडे, बट आप मोर प्रिटियर को साथ में नहीं लगा सकते. एंड देन वी हैव डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई बैक. गाइज, रिप्लाई का मतलब होता है किसी को वापस मैसेज करना, और इसके साथ हमें बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिप्लाई वर्ड में हमें खुद ही पता है कि इसका मतलब ये है कि किसी को आप वापस मैसेज भेज रहे हैं. इसलिए आप कहेंगे डोंट रिप्लाई टू दिस मैसेज, ना कि डोंट रिप्लाई बैक टू दिस मैसेज. ओके, और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारी आज की फाइनल मिस्टेक पे, और वो है आई डोंट थिंक सो ही इज़ कमिंग. वेल, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आपको ये कहना है कि मुझे नहीं पता, ठीक है, या फिर मुझे नहीं लगता है, तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो. पर अगर आपको ये कहना है मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक ही विल कम. दैट्स राइट. तो अगर आपको फुल सेंटेंस कहना है तो आपको सो लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि आई डोंट थिंक सो इट विल रेन टुमारो, मुझे नहीं लगता कल बारिश होगी. पर अगर कोई आपसे सवाल पूछे क्या तुम्हें लगता है कल बारिश होगी, डू यू थिंक इट विल रेन, उसके लिए आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो. वेल गाइज, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स रियली मैटर. नो, दीज स्मॉल थिंग्स रियली मैटर. इसीलिए ज़रूरी है कि आप ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें और अपनी इंग्लिश को करेक्टली बोलिए. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन के बाद आप ये 15 मिस्टेक्स जो आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हुए करते थे वो करना बंद कर देंगे और अगली बारी से कॉन्फिडेंटली और करेक्ट इंग्लिश बोलेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन ऊपर मिलेगा या फिर नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. बी श्योर आप जाके वो भी देखिए और देखिए कि हम इंडियंस कुछ वर्ड्स को कैसे गलत तरीके से बोलते हैं. थैंक यू सो मच. सी यू सून. बाय.